पहले आपसे कभी भी नहीं मिली, ना ही आपको कभी देखा। बताइए कैसे जानते हैं आप मुझे? किमोना, जानते तो आप भी हमें हैं। Oh God, please help me. मेरी बहन थोड़ी पागल है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। मुझे बहुत प्यार करती है वो। मैं उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज उसे जल्दी से ठीक कर दो भगवान, प्लीज। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझी नहीं। विकी के दोस्त हैं आप, वो बताते रहते हैं हमें आपके बारे में। हमारे बारे में भी आपको उन्होंने बता ही दिया होगा। He's my son. What? Oh my God. मुझे पता था तो मेरे पीछे जरूर आओगी, इसीलिए अंदर नहीं गया मैं। इंतजार करा था तुम्हारा। तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें मेरे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। तुमने बहुत बुरा किया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं पहले ही बहुत परिणाम भुगत चुका हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाओगी। चिंता मत करो, तुम्हें मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला। चाय तो आप पियेंगे नहीं? आइए इत्मीनान से बैठ कर ही बात करते हैं। बताइए हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं? आपकी मदद करके हमें बेहद खुशी होगी। दरअसल मेरी बड़ी बहन काफी दिनों से परेशान है। मैंने कभी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और उसकी हालत बहुत खराब है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए, मृत्यु के बाद में आत्मा का भटकना कुछ वजहों से होता है, जिसमें मुख्यतः दो हैं। जिसमें पहली वजह है कि या तो इंसान की मृत्यु से पहले कोई इच्छा रह गई हो, या उसका कोई काम अधूरा रह गया हो, या दूसरा किसी नुकसान की वजह से उसके अंदर कोई बदले की भावना हो जो वो किसी शरीर पर कब्जा करके पूरा करना चाहती हो। हमें देखकर ही पता करना पड़ेगा कि जो आत्मा आपकी बहन के पीछे पड़ी है वो चाहती क्या है। आशा का शरीर सफेद पड़ने लगा है। विकी ने कहा था कि वो उसे मारना चाहती है। विकी ने भापा है तो गलत नहीं होगा, वो हमारे सबसे होनहार छात्र भी रहे हैं। ओह, आप पढ़ाते हैं? हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं और तंत्र साधना पर 7 अलग अलग रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं। वाओ, दैट्स नाइस। मुझे तो पता ही नहीं था इस पर पढ़ाई भी होती है। तो आप प्लीज बताइए आशु को हम कैसे बचा सकते हैं, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितने दिन से परेशान है आपकी बहन? शायद 15-20 दिन से, क्योंकि तभी से वो कह रही है कि वो सो नहीं पाती है रात में ढंग से। 15-20 दिन से परेशान होने के बाद में भी आपकी बहन अगर आज जिंदा है तो उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है। वजह चाहे जो भी हो, पर उस बात पर भरोसा करके मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना। और अब तो शायद टाइम भी नहीं है। विकी के मंत्रों का असर अगर कम पड़ा तो वो आत्मा कहीं आशु को मार ना डाले। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए, विकी भी बाहर इंतजार कर रहा है। नहीं, विकी बाहर नहीं है। आप हमारे साथ हमारी कार में चलिए। आपको कैसे पता वो बाहर नहीं है? मैं तो उसे बाहर ही छोड़ के आई थी। क्योंकि उन्हें बचपन से ही खतरों से खेलने की आदत है। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, बस गोल गोल बातें। आशु, तू जाग रही है? हाँ यार, कहाँ चली गई थी तू? मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। थोड़ा काम था, किसी से मिलने गई थी। काफी देर से सो रही थी, अभी जगी हूँ। थोड़ा ठीक लग रहा है पर अचानक घबराहट होने लगी। तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। देख तेरे से मिलने कौन आया है। नहीं कि नहीं, इनको लेके जाना। क्या कर रही है आशु? लेके जाना से मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज इनको लेके जाना। पर मेरी बात तो सुन यार। कोई बात नहीं कि हम बाहर हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिल्कुल बाहर से कोई मिलने के लिए आता तो इस तरीके से बिहेव करते हैं क्या? बिल्कुल पागल जैसी हरकतें कर रही है। I'm sorry, Mr. M.K. वो कभी इस तरीके से बिहेव नहीं करती है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप माफी मत मांगिए, उनके ऊपर एक डाइन का असर है, इसलिए वो हमारा सामना नहीं कर पा रही है। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप उनसे जाकर बात कीजिए, उन्हें काम डाउन कीजिए। हम थोड़ी देर में आते हैं, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में वो अच्छा महसूस करेंगी। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? पहले से काफी बेहतर। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे बिहेव नहीं करना चाहती थी, पर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी।
मुझे लगा जैसे मैं नहीं कोई और ही बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। अब कुछ बातें सोच के हमें बताइए, याद करके बताइए, 15-20 दिनों में आप किसी ऐसी अनजानी जगह गए हो जहाँ आपको कुछ अजीब लगा हो? नहीं, मेरा तो रूटीन सिंपल सा है, मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से सीधे घर, या कभी किमी के साथ शॉपिंग वगैरह के लिए, और तो कहीं भी नहीं, कुछ याद नहीं। थोड़ा सोचिए, पिछले 15-20 दिनों की बातें याद कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए, ऐसा जरूर कुछ ना कुछ होगा। हाँ शायद उस दिन। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस माय लवली लेडी, आपकी वजह से हमारी कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है। आपकी ये मेहनत है ये जो हमारी कंपनी अब ऊंचाइयाँ छू रही हैं। थैंक यू सो मच, सेलिब्रेशन तो बनता है, एक कॉफ़ी तो आज पीनी पड़ेगी हमारे साथ। आई एम सॉरी सर, आज नहीं, मैं एक्चुअली मैं अपनी बहन से वादा करके आई हूँ कि आज मैं उसे शॉपिंग पर लेके जाऊँगी, फिर कभी पक्का। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आप ये मौका छोड़ेंगे नहीं? या डेफिनेटली, फॉर श्योर। देख तू सही, यहाँ तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। हाँ यार सर, इस पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहते हैं यार, मुझे तो आज तक कभी सर ने कॉफ़ी के लिए नहीं पूछा। माय गॉड, आज तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, कि मुझे हमारी गाड़ी की शॉर्टकट ले लेती हूँ। ओह शिट, ये क्या हो रहा है यार, ये शेक क्यों कर रही है? मैंने पहले की म्यूजिक आता है, इसका कलर ही घटिया है, ये चलेगी क्या अच्छी? चिंकी यार, तुझे खराब होने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी? इतनी अच्छी जगह खराब हुई है, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, अब सही कैसे करवाऊँ? क्या करूँ, देखूँ जरा क्या हुआ है। शिट यार, अब पानी कहाँ से लाऊँ यहाँ? देखो शायद यहाँ पानी मिल जाए, ये घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाय, वेलकम जी, वेलकम, मेरे घर में आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? वो एक्चुअली मैं बाहर, मेरी गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है, मुझे थोड़े पानी की ज़रूरत थी, क्या मिलेगा? जी मैं अभी खाना बना रही थी, आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर सकती हैं, मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही पानी ला के देती हूँ, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। आप यहाँ स्टडी में बैठ के इंतजार कर लीजिए, वो एक्चुअली में पेस्ट कंट्रोल कराया था ना, इसलिए यहाँ से सामान निकाल दिया है थोड़ा, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी लेने गई है या कुआं खोदने गई है, पता नहीं कितनी देर लगा रही है, इतनी देर में तो मैं पूरे मोहल्ले के लिए पानी इकट्ठा कर देती, जाके ही देखना पड़ेगा। ये कैसी जगह है यार, ये घर तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा, इतनी अजीब सी जगह है, पूरा हॉरर लग रहा है यार, अपनी मर्जी से मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊँ। ये दरवाज़ा खुला सा लग रहा है, अंदर जाके देखूँ क्या? ऐसे किसी के घर में जाना तो नहीं चाहिए, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं दिख रहा यार, बहुत अंधेरा है यहाँ तो, क्या करूँ, जाके ही देखती हूँ। मुझे लगता है यहाँ ना गलत आइडिया था, वापस चलती हूँ, बहुत डर लग रहा है यार यहाँ तो, पानी की ज़रूरत नहीं होती तो मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रखती। इस दरवाजे के पीछे जाके देखती हूँ। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ पास ये सब क्या है, ये सब क्या है, मुझे भागना चाहिए यहाँ से, जल्दी से जल्दी निकल लेती हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक जगह नहीं है, ये सब यार, पानी की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कभी नहीं आती, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, इधर जाओ, इधर जाके प्लीज हमें थोड़ी देर का टाइम और दीजिए, हम आपके लिए हम आपका काम कर देंगे, प्लीज हमें मत मारिए, प्लीज प्लीज हमें मत मारिए, आप हमें छोड़ दीजिए, आप हमें छोड़ दीजिए, हमें मत मारिए।
जल्दी से भागती मैं यहाँ से। ये मैं कहाँ। जब होश आया आई वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक आई वॉज ड्रीमिंग। दिन हो चुका था, मैं घर आ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि वो जो भी हुआ सपना था या सच, पर तब से ही मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। जो कुछ भी आपने देखा वो सपना नहीं था, सब हकीकत थी। जो आपके पीछे पड़ी है वो आपको नया शिकार समझ रही है, आपके जरिए वो अपना कुछ बदला पूरा करना चाहती है। और जिसको आपने मरते हुए देखा है उस आत्मा का प्रभाव भी आपके ऊपर है, या ये कह लीजिए कहीं ना कहीं वो आपको बचा रही है नया शिकार बनने से। मैं इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं करती थी, पर अब जब सब अपने साथ होता हुआ महसूस कर रही हूँ तो इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती। ठीक है, आप स्ट्रेस मत लीजिए, हम चलते हैं। इसका उपचार करने के लिए एक माहौल तैयार करना पड़ेगा जिसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए। आप इस घर से बाहर मत निकलिएगा जब तक हम या विकी खुद आपसे बात ना करें। कोई भी आवाज़ लगाए आवाज़ नहीं देना जब तक आपको भरोसा ना हो जाए कि वो आवाज़ आपके अपने की ही है। जब हम नींद में होते हैं आत्माएं हमें अपनों की आवाज़ में पुकारती हैं, हमें आवाज़ नहीं देनी चाहिए। अब आप आराम कीजिए। काफ़ी स्ट्रेसफुल दिन था, तो चेंज कर ले, मैं ज़रा विकी से बात करके आती हूँ। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कहाँ गायब हो गए थे यार? सॉरी कि मैं थोड़ा काम आ गया था इसलिए आ नहीं पाया, माफ़ करना। कल मिलता हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। इतनी थकान होने के बाद में भी आंखों में नींद नहीं है। कितना अजीब दिन था, कि ये सब सपना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश ये सब सपना ही होता। सो जाती हूँ। ओह माय गॉड, ये कहाँ चली गई।